सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो क्रैश गार्ड है कम्प्लीटली हमारी बाइक पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर हमारी बाइक गिरती है दोस्तों राइट या लेफ्ट साइड से, तो हमारी फेयरिंग को कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड कर लेगा। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यामा R15 V3 के क्रैश गार्ड की। प्रीवियसली भी आपने एक क्रैश गार्ड का इंस्टॉलेशन वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पे, तो यहाँ पर उसको और अपग्रेड और बेटर क्वालिटी के साथ हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेके आए हैं। प्राइस भी दोस्तों उससे काफ़ी बेटर है। यहाँ पर जिस प्राइस में आपको ऑफर हो रहा था उससे अब यहाँ पर काफ़ी बेटर प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर ऑफर होने वाला है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारा बॉक्स है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनसाइड दी बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का एक क्रैश गार्ड मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को सभी को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हम बॉक्स को साइड कर देते हैं। तो अब बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल हमें कुछ इस तरीके के आइटम्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वेलकम कार्ड है PGX का। तो आपको मैं बताना चाहूँ दोस्तों, PGX अब ऑनलाइन भी आ चुके हैं। सो आप यहाँ पर www.pgxpitstop.com पे जाके आप इस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक ऑनलाइन वेबसाइट है। ये मैं इस कार्ड को साइड करता हूँ। उसके बाद साथ ही आपको यहाँ पर एक कीचेन मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ हमारे यहाँ पर ब्रांडिंग है। साथ ही प्रोडक्ट के साथ आपको यहाँ पर ये इंस्टा शाइन पॉलिश मिलने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लोथ मिलने वाला है। ये हमारे व्यूवर्स के लिए खास हमने दोस्तों अरेंज करवाया है, ताकि जब भी आप हमारे चैनल का रेफरेंस से आप यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें ऑफर होने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, PGX पिट स्टॉप का स्टिकर है। तो चलिए अब मैं इन सभी को साइड कर देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पर मेन प्रोडक्ट की। तो हमें यहाँ पर तीन चीज़ों के अंदर रैप होकर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, 1, 2 और 3, जो कि हमारा कंप्लीट क्रैश गार्ड है। तो मैं इसको अनबॉक्स करूँ, उससे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट का वेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। सो यहाँ पर चलिए मैं इसको हैंग करवाता हूँ अपनी वेइंग मशीन के अंदर। सो जैसा कि आप यहाँ पर अब देख पाएंगे, जो प्रोडक्ट का वेट है वो कितना यहाँ पर शो होने वाला है। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रोडक्ट का वेट है 3 kg 200 ग्राम के अप्रोक्स इसका वेट है। तो यहाँ पर ये सिर्फ दोस्तों हमारा वन पार्ट है। यहाँ पर अगर बात करें साइड के स्पूल्स की, जो कि हमारी फेयरिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसका भी मैं आपको वेट करके दिखा देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो आप इस चीज़ की बिल्ड क्वालिटी को दोस्तों देख के नहीं पता कर सकते कि कैसा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 250 ग्राम के अप्रोक्स सिर्फ दोस्तों हमारे स्पूल्स है जो साइड के अंदर लगेंगे हमारे क्रैश गार्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इनके दोस्तों डॉट्स हैं जो कि आउटर साइड पर लगेंगे। पहले वाले से और इस वाले में क्या खास है, वो चीज़ मैं आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। यह हमारा नाइफ है, तो चलिए यहाँ पर मैं इन सभी को बाहर निकालता हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्पूल्स की बात करने वाले हैं, तो मैं इसको थोड़ा नाइफ से कट कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है। PGX पिट स्टॉप की यहाँ पर ब्रांडिंग है। साथ ही आपको यहाँ पर 2 स्क्रूज मिलने वाले हैं, अंदर की तरफ एक वॉशर मिलने वाला है फिक्सेशन के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों PGX ने क्वालिटी का तो काफ़ी खासा ध्यान रखा है। तो चलिए अब मैं इन सभी को साइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉपर्स मिलने वाले हैं। ये 4 स्टॉपर्स हैं जो साइड के अंदर और हमारी जो क्रैश गार्ड है उसकी अपीलिंग को अच्छा करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपना दोस्तों क्रैश गार्ड निकालता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रैप होके आता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको नाइफ से कट करते हैं। तो यहाँ पर रैप जो क्या है दोस्तों, वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से, तो यानी आप फिजिकल डैमेज की टेंशन बिल्कुल ना लें। सो यहाँ पर ये रोड है जो कि दोनों क्रैश गार्ड को कनेक्ट करती है। सो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक तरफ का क्रैश गार्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर www.pgxpitstop.com की ब्रांडिंग है। फिनिशिंग का तो मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, काफ़ी खासा ध्यान रखा है इस बार, और फिनिशिंग के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। इंस्टॉलेशन जो थी वो हमने प्रीवियसली आपको दिखाई थी। इंस्टॉलेशन यहाँ पर सेम ही होने वाली है। तो अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं, तो मैं नीचे आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा हमारे वीडियो का, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं तो आप इसको घर बैठ के भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर किसी मैकेनिक के पास जाके इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, आप दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए अपने मैकेनिक को हमारे चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, वो इजीली आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दे देंगे। एंड मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि इंस्टॉल कैसे होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पूल इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, और लुकिंग आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा लुक करने वाला है हमारी बाइक पे। सो यहाँ पर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही दी है। इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्रीवियसली हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी क्लिप भी डाल दूंगा, अगर आप यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन को देखना चाहते हैं। तो
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो बाइक का लुक है दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा एनहेंस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है हमारी बाइक की फेयरिंग को प्रोटेक्ट करने वाला है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि कैसे आपको क्रैश गार्ड अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियोज़ देखते तो हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्टैटिक्स हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को फॉलो करिए दोस्तों, फॉलो करना, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई पेड़ नहीं है आपके लिए, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है। सो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।